नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। जानिए विधि के विधान को, जिसमें मुहूर्त ना जन्म लेने का है और ना ही मरने का। लेकिन उससे पहले, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, भगवान श्री राम जी का विवाह और राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देखकर ही किया गया था। फिर भी न वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक। और जब मुनि वशिष्ठ से इसका जवाब मांगा गया तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख केहु मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। न भगवान श्री राम जी के जीवन को बदला जा सका और ना ही भगवान श्री कृष्ण के। विधि शब्द अपने आप में ही विधाता से जुड़ा हुआ शब्द है। आध्यात्मिक जगत में जीवन एवं मृत्यु विधाता के द्वारा बनाया हुआ एक कानून है। अपने कर्मों का फल भोगना ही विधि का विधान है। विधि का विधान का मतलब है जो भी किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। प्रकृति के गुणों के अनुसार ही समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं, किंतु अहंकार से भरा हुआ मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसके करने से सब कुछ हो रहा है, परंतु ऐसा नहीं होता। स्वयं मधुसूदन ने कहा है, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरी चाह राधा थी, चाहती मुझको मीरा थी, परंतु मेरा विवाह रुक्मणी से हुआ। ना ही भगवान शिव सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। न श्री गुरु अर्जुन देव जी, न श्री गुरु तेग बहादुर जी और ना ही दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल सके। रामकृष्ण परमहंस जी भी अपने कैंसर को न टाल सके। ना रावण अपने जीवन को बदल पाया और ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारियां, देह रंग, परिवार, समाज, देश और स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहें, सहज रहें, मन कर्म और वचन से सदकर्म में लीन रहें। मुहूर्त ना जन्म लेने का है और ना ही मरने का, फिर शेष सब अर्थहीन है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और ऐसे ही नए ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। जय हिंद, जय भारत।